Assalamu alaikum, welcome to my channel. I'm making chatpate kebab with minced meat, chicken keema. This is about 1 kilogram, spoon of half teaspoon of salt, and 1 tablespoon of mixed spices, which is basar, and half teaspoon of ajwain seeds. 1 tablespoon of coriander seeds and half cup of green fresh coriander, and you need some tomatoes to use to cook them. Okay, ye half inch ginger hai. This is half inch ginger, grated of ginger. Oh, this is a garlic, half of garlic. ये भी ग्रेट किया हुआ है. और दीज आर द पोटैटो, वन पोटैटो वन बिग साइज, और यू कैन हैव टू स्मॉल साइज, व्हाट एवर यू लाइक, व्हाट एवर यू गॉट. सो दिस इज द पोटैटो ग्रेटेड. सो आई एम गोना मिक्स इन नाउ एवरीथिंग इन हियर. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सॉल्ट, स्पाइसेस, बिस्मिल्लाह, अजवाइन. आई एम गोना मिक्स दिस एंड दिस. अच्छा, ये होल होल कोरिएंडर सीड्स, तो इसको मैं ना इसके साथ उसको मैं ग्रेट ग्राइंड करूँगी. ये मैं ग्राइंड कर रही हूँ ऐसे इसके साथ. तो मैं मशीन में नहीं ग्राइंड करती चीज़ें, मसाला वगैरह मैं इसमें ग्राइंड करती हूँ, मोटा पेंसिल में. ये मुझे अच्छा लगता है, और मैं घर में ही ये मैं करती हूँ ग्राइंड. इसी में मैं पीसे हुए भी मिल लेके आती हूँ. तो अब मैं इसको मिक्स करके सारा कुछ है. तो हाथ से ऐसे ऐसे करके इसको फिर मैं. अच्छा, ये सनफ्लावर ऑयल है, ये मैं इस्तेमाल करूँगी फ्राइंग के लिए. ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा, जब 6 टेबल स्पून ऐसे बस, क्योंकि हमने डीप फ्राई नहीं करना. चलो फिर, चलो मैं नीचे टमाटर रख रही हूँ ऐसे, नीचे टमाटर एक एक करके ऐसे ऐसे. मैंने कबाब बनाना शुरू कर दिया है, ऐसे कबाब बना के तो मैं ऐसे रखूँगी इसके ऊपर ऐसे. अब इनको पकाना एक साइड की तरफ से, जब एक साइड कुक हो जाएगी फिर इसको टर्न करना दूसरी साइड पे. तो ये टमाटो का जो जूस निकलेगा ना उसके साथ इनकी और टेस्ट नाइस हो जाएगी इंशाल्लाह. बस ऐसे ठीक हो गया. तो अब ये रेडी हो गया है कबाब खाने के लिए. आप इनको नक्स में डाल के ऐसे इसके अंदर चटनी वगैरह लगा के आप इनको खा सकते हैं, या आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं. आपका जिस तरह दिल चाहे आप खा सकते हैं इसको. ये फूड इज़ रेडी माशाल्लाह. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई वेलकम योर सपोर्ट, सो काइंडली शेयर माई वीडियोज, गिव दम थम्स अप एंड सब्सक्राइब. डू इट नाज़ी स्टाइल.